हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक्स। तो आज हम अपनी क्लास 6th जनरल इंग्लिश रीडर का रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रिवीजन एक्सरसाइज 1 में आपको यहाँ पर कुछ लिसन एंड राइट दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स आपको यहाँ दिए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और इनको एज इट इज़ आपको लिखना है। सेकेंड है हमारा वर्ड पावर, इसमें हमारे फ्लिंदा ब्लैंक्स, चूजिंग करेक्ट वर्ड्स। तो फ्लिंदा ब्लैंक्स में हमारे फर्स्ट है मैनी ऑफिस, इसमें आ जाएगा शोल्डर्स, मैनी ऑफिस शोल्डर्स वर किल, ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन है। थर्ड है द ट्री स्प्रेड इट्स ब्रांचेस। फोर्थ है द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट। फोर्थ यहाँ हो जाएगा हमारा प्रॉम्प्ट गांधी जी। एंड लास्ट है अ लिटिल सीड वॉज डीप इन द सॉइल, सो बरीड डीप इन द सॉइल, BURIED, बरीड डीप इन द सॉइल। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, सो द आंसर इज वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, सो द ट्री। सेकेंड है वॉट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, तो स्विंगिंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। थर्ड है वॉट डिड द किंग डू आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर, सो द किंग यूनाइटेड हिज शोल्डर्स वंस अगेन, ही अटैक्ड हिज एनिमी एंड वन बैक हिज किंगडम। फोर्थ है वॉट वॉज द टास्क दैट मिस्टर गिल्स सेट, सो मिस्टर गिल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग टेस्ट टू द चिल्ड्रंस। उसके बाद है हमारा ग्रामर इन यूज में। फर्स्ट है फ्लिंदा ब्लैंक्स विद द करेक्ट पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। हमें यहाँ पर जो वर्ब्स दी गई हैं हमें उनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म्स फिल करने हैं। सो फर्स्ट है हमारा हाई, इसका हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव हो जाएगा इसका हमारा हायर, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पर हाइएस्ट, सो हाई हायर हाइएस्ट। इसी तरह से स्लो स्लोअर एंड स्लोएस्ट। थर्ड है हमारा टॉल, taller and tallest, wide wider and widest. फिफ्थ है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राधा एंड सीता आर द टू फ्रेंड्स, राधा इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट सीता इज डल एंड लेजी। बोथ राधा एंड सीता लाइक टू प्ले, राधा लाइक्स टू गो टू स्कूल बट सीता डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। सिक्स्थ है हमारा मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर कुछ वर्ब्स हमें दी गई हैं, हमें उनका पास्ट टेंस यूज करके यहाँ पर उनके पास्ट टेंस में वर्ब्स लिखने हैं। सो प्ले का हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लेड, ग्रो का हमारा हो जाएगा ग्रू GREW ग्रू, लाइक का हो जाएगा हमारा लाइक्ड, वरी का हो जाएगा वरीड RRIED वरीड, ट्राई का हो जाएगा हमारा ट्राइड, पॉइंट का हो जाएगा हमारा पॉइंटेड, कट का कट ही रहेगा और रीड का यहाँ पर भी रीड रहेगा, क्लाइंब का क्लाइंब्ड हो जाएगा ED लग जाएगा एंड स्लिप का स्लिप्ड हो जाएगा SLIPPED स्लिप्ड। तरह से हमारे पास्ट टेंस में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड फॉर्म में। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है हमें नीचे लेट्स राइट में, राइट डाउन द 5 सेंटेंसेस ऑन द यूजेस ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पर मैं आपको बोल देती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर पॉज कर करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो यूजेस ऑफ ट्रीज में हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा दे मेक द एयर प्योर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन इन रिटर्न। थर्ड हो जाएगा हमारा द ऑक्सीजन गिवन बाय देम इज यूज्ड बाय द लिविंग बींग्स इन ब्रीदिंग। फोर्थ हो जाएगा दे ब्रिंग रेनफॉल एंड प्रिवेंट्स फ्लड। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा दे ऑल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन और वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7th में, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग, सो द रिवर्स ट्रीज कैटल्स एंड कंट्री साइट्स आर द थिंग्स देन वी गो अप इन अ स्विंग। इसका थर्ड है राइट द 5 सेंटेंसेज अबाउट द गांधी जी एंड हिज लाइफ। तो यहाँ पर हम गांधी जी के बारे में 5 सेंटेंसेज कुछ इस तरह से लिखेंगे। He was a great Indian freedom fighter. He was born on 2nd October 1869 at the Porbandar in Gujarat. And third ho jayega hamara, he admired simple living and non-violence in his life. Everyone called him Bapu. And last point ho jayega hamara, he was a great leader and reformer.
ऑफ आर इंडिया. इसके बाद हमारे यहाँ पर ये हमने तीनों ने देख लिए इस तरह से. इसके बाद हमें यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर वन दिया गया है. रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर नोटबुक. किसी भी आपको अपनी नोटबुक से एक पैराग्राफ रीड करना है. सेकंड है हमारा रिसाइट अ पोएम दैट यू नो. कोई भी एक पोएम आपको यहाँ पर रिसाइट करनी है, जो भी आप याद है आपको ऑलरेडी. यहाँ पर हो जाएगा थर्ड हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एंड कम्प्लीट द पोएम. ओके, तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हम देख लेते हैं. फर्स्ट है हाउ डू यू, यहाँ पर हो जाएगा लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट टेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. इस तरह से ये हमारे हो चुके हैं. यहाँ पर कुछ दिया है फाइंड वर्ड्स राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है वॉल का टॉल है, वाइट का राइड हो जाएगा, ब्राउन का क्राउन हो जाएगा, ब्लू का ग्लू हो जाएगा, एंड लास्ट है स्विंग. स्विंग का आप चाहें तो यहाँ पे विंग कर सकते हैं. इसी तरह से ये हमारा नेक्स्ट है फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. यहाँ पर कुछ गिवन वर्ड है फ्लावर सर्च और स्विंग दिया है. इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो हिडन से आपको इनसे टू न्यूली फॉर्म्स वर्ड्स बनाने हैं. सो इसमें हम फ्लो कर लेंगे. यहाँ पर हमारा फ्लो हो जाएगा और यहाँ पर आप चाहें तो लोअर भी कर सकते हैं या एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर हो जाएगा. यहाँ पे हमारा सी बन जाएगा एस ई ए सी और उसके बाद यहाँ पे आपका आर्च बन जाएगा ए आर सी एच आर्च. यहाँ पे आप यहाँ पे विंग कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे डब्ल्यू आई एन से विन कर सकते हैं और भी बन सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मेक द न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स. गिवन वर्ड्स में हमें कुछ और नए वर्ड्स जोड़कर हमें यहाँ पर एक नया वर्ड क्रिएट करना है. सो रेन में अगर हम कोट ऐड कर दें, रेन प्लस कोट सी ओ ए टी कोट, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा रेन कोट. इसके बाद है हमारा हैंड में अगर हम मेड ज्वाइन कर दें तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा हैंडमेड. इसके बाद हम बाथ में अगर टब ऐड कर दें सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाथ टब. ये हमारा हो चुका है. इसके बाद हमारा सेकंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं. सो विन का हमारा हो जाएगा लूज, सेट का हो जाएगा हैप्पी, वीकनेस का हो जाएगा स्ट्रेंथ, पास का हो जाएगा हमारा फेल, एंड फ्रेंड का हमारा हो जाएगा एनिमी. यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. सो टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग रियलिटी फॉर द इंडियंस. ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड. ही डिड नॉट रिमेम्बर एवर हैविंग टोल्ड अ लाय. ड्यूरिंग स्कूल डेज ही टॉट अस द पावर of non-violence and non-cooperation. उसके बाद है हमारा use these words to complete the conversation. Yes, I don't and no, I don't को हमें use करना है. So, Mona, do you like trees? Shalu, yes, I do. उसके बाद है Shalu, do you like banana? So, no, I don't. Next है हमारा complete the following phrases. Phrases complete करनी है. A dash of bananas. So, a group of bananas is called bunch. A group of players is called team. A group of stars is called clusters. A group of cattles is called herd. And army of soldiers. A group of soldiers is called army. And a group of ships is called fleet. FLEET fleet. ये हमारा complete हो चुका है. इसके बाद next है हमारा fill in the blanks with the correct form of the words. Okay, हमें यहाँ पे again white, wider. Widest, comparative, positive, comparative, and superlative, deep, deeper, and deepest, sweetest है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा sweet, sweeter,
and sweetest. Next hai hamara, the spider did not succeed in climbing, so it is a false. The yes, the spider succeeded in climbing in the last. And second hai, it is the pleasantest thing to sway in a swing, so yes, it is a pleasantest thing. Third hai, it was a 50 years old mango tree, so no, it not a mango tree, it is a banyan tree. Gandhiji left Porbandar at the age of 7, so no, Gandhiji did not left at the age of 8. Gandhiji left at the age of 7 to Porbandar to the Gujarat. Next hai hamara, Gandhiji misspelled the word cattle, so yes, Gandhiji misspelled the word cattle. So yahan par hamare answer the following questions hai. What do the village children do when they get tired? Village children aakhir kya karte hain jab wo tired ho jate hain? So the village children rest under the tree shade when they get tired. Second hai, what did the king see in the cave? So the king saw a spider in the cave. What left a lasting impression on the Gandhiji's mind? So the two plays, Harishchandra and the Shravan Pitra Bhakti Nataka, play a lasting impression on the Gandhiji's mind. Fourth, what can you see when going up in a swing? So the things are the garden, trees, river, swing, wall, are the etc. are the things poet can see when he is going up in a swing. And fifth time, what does the child see in the countryside? The child see a river, trees and cattle in the countryside. And last time, who is the writer of the poem The Swing? So the Robert Louis Stevenson was the writer of the poem The Swing. And last time, I write a paragraph on the uses of tree. You already, I have written. Okay, thanks for watching.